नमस्कार, मैं शांतिलाल मुथा, संस्थापक भारतीय जैन संगठन बीजेएस। बीजेएस गत 35 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में नैसर्गिक आपदाओं में काफी सारा राहत और पुनर्वसन का कार्य कर रही है। फिलहाल भारत में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। इस देश के प्रधानमंत्री और हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपनी तरफ से इसको निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके और हमारी जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी शासन को सहयोग करना चाहिए। बीजेएस ने पुणे शहर में 1000 लोगों का क्वारंटाइन सेंटर पूरा लेटेस्ट अद्यावत बना के गवर्नमेंट को सुपुर्द किया है। यहां तक न रुकते हुए महाराष्ट्र की जरूरतों को ध्यान में लेते हुए केवल महाराष्ट्र में 15 अप्रैल तक 20,000 बॉटल का रक्तदान महाराष्ट्र के 350 ब्लड बैंक में इकट्ठा करने का निर्णय बीजेएस ने आज लिया है और जिसकी आज ब्लड कैंप की शुरुआत भी हो चुकी है। ब्लड की आवश्यकता इसलिए है कि पिछले महीने 15 दिन में कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड कैंप नहीं हो सके। यहां से आगे महीने दो महीने में ब्लड कैंप होने के चांसेस बहुत कम है। महाराष्ट्र में केवल 4,500 से 5,000 ब्लड बॉटल्स एवरी डे इमरजेंसी वाले पेशेंट्स के लिए, कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए लगती है डेली। और अगर कोरोना का प्रभाव बढ़ता है तो क्रिटिकल केसेस में ब्लड लग सकता है, उसका नियोजन और प्लानिंग करना जरूरी है। ये दोनों रीजन की वजह से हमने ये निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की 350 ब्लड बैंक में जितनी भी कैपेसिटी है वहां तक का काम पूरा करना। यह मिशन बीजेएस मिशन ब्लड कलेक्शन इस नाम से हमने शुरू किया है। मुझे इस बात की गारंटी है कि बीजेएस का नेटवर्क पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है और हम यह मिशन पूरा करेंगे। महाराष्ट्र के बाहर भी बीजेएस काफी जगह पर कार्यरत है। मैं मेरे भारत के बीजेएस के कार्यकर्ताओं को यह अपील करता हूं, अपने अपने राज्य में जिस तरह से हम महाराष्ट्र में ये कार्य कर रहे हैं, उस तरह से आपके क्षेत्र में भी इस तरह का ब्लड डोनेशन का काम कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में रामनवमी है, अंबेडकर जयंती है, आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जयंती है, महावीर जयंती है, इस तरह गुड फ्राइडे है, इस तरह के कई मौके आ रहे हैं। इन मौकों पर सब लोगों ने मिलकर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। उसकी गाइडलाइंस हमने तैयार की है कि कर्फ्यू में ब्लड डोनेशन किस तरह से लेना चाहिए। यह सबसे बड़ा चैलेंज हमने स्वीकार किया है और वो गाइडलाइन के तहत हम महाराष्ट्र में इस मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। आपको भी आपके